हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम इट्स सो हैपन के चैप्टर 9 द कॉमेट 1 के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू सेशन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द कॉमेट? गिवन ऑप्शंस आर जॉन मैकफर्सन, जेम्स बॉन्ड और जयंत नार्लिकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जयंत नार्लिकर। कॉमेट 1 के राइटर जयंत नार्लिकर हैं। व्हाट वाज दत्तादा'स सीक्रेट एम्बिशन? दत्तादा की सीक्रेट एम्बिशन क्या थी? टू बाय अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को खरीदना। टू प्ले विद अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के साथ खेलना। और टू डिस्कवर अ कॉमेट, या कॉमेट को डिस्कवर करना। दत्तादा की सीक्रेट एम्बिशन एक कॉमेट को डिस्कवर करना था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दत्तादा'स सीक्रेट एम्बिशन वाज टू डिस्कवर अ कॉमेट। व्हेन डिड दत्तादा बाय द टेलीस्कोप? दत्तादा ने टेलीस्कोप कब खरीदा? ऑप्शन 1 बिफोर रिटायरमेंट, 2 आफ्टर रिटायरमेंट, 3 ऑन हिज बर्थडे। करेक्ट आंसर इज आफ्टर रिटायरमेंट। दत्तादा ने टेलीस्कोप अपनी रिटायरमेंट के बाद खरीदी। सो ऑप्शन 2 आफ्टर रिटायरमेंट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज दत्तादा'स रियल नेम? श्री मनोज दत्ता, श्री सूरज दत्ता, श्री राज दत्ता। करेक्ट आंसर इज श्री मनोज दत्ता। दत्तादा का रियल नेम श्री मनोज दत्ता है। ऑप्शन 1 श्री मनोज दत्ता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दत्तादा वॉज एन डैश पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्टिंग, सेकेंड एक्सट्रोवर्ट, थर्ड इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट का मीनिंग समझते हैं पहले। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं। ऐसे लोग पार्टीज़, फंक्शंस एंड सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। नाउ एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट से कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट अकेले रहना पसंद नहीं करते, इन्हें पार्टीज़ एंड फंक्शंस अटेंड करना अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की मीनिंग पता चलने के बाद अब आप इजीली बता पाएंगे कि दत्तादा एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। लोगों से ज़्यादा बातें करना या पार्टीज एंड फंक्शंस अटेंड करना दत्तादा को ज़्यादा पसंद नहीं था। कॉमेट डिस्कवर करने के बाद दत्तादा फेमस हो गए और उसके बाद उन्हें काफ़ी जगहों से पार्टीज एंड फंक्शंस अटेंड करने के लिए बुलाया जाने लगा। पर उन्हें पार्टीज, फंक्शंस एंड रिसेप्शंस अटेंड करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दत्तादा को एक इंट्रोवर्ट पर्सन बताया गया है इस स्टोरी में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दत्तादा वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। वॉट डिड दत्तादा यूज टू कॉल हिज टेलीस्कोप? दत्तादा अपने टेलीस्कोप को क्या बुलाया करते थे? दिव्या चक्षु, दिव्या रानी और दिव्या कॉमेट। दत्तादा अपने टेलीस्कोप को दिव्या चक्षु बुलाया करते थे। दिव्या चक्षु मीन्स डिवाइन आई। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाउ लॉन्ग वॉज दिव्या? दिव्या की लेंथ बतानी है आपको क्वेश्चन में। ऑप्शंस आर 8 इंच, 8 फीट और 8 मीटर्स। इस पिक्चर में दत्तादा अपने टेलीस्कोप से कॉमेट सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप दिव्या 8 इंच लॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हॉबनॉब। हॉबनॉब का करेक्ट मीनिंग चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन 1 हॉरिबल, 2 नॉक नॉक, 3 हैव फ्रेंडली टॉक और स्पेंड टाइम टुगेदर। जब आप किसी के साथ वक्त बिताते हैं या उनके साथ फ्रेंडली बातें करते हैं, इसी को हॉबनॉब कहते हैं। हॉबनॉब मीन्स टू हैव फ्रेंडली टॉक और स्पेंड टाइम टुगेदर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
Next question is, what does tete-a-tete mean? Tete-a-tete is a very important phrase. Iska meaning aapko zarur pata hona chahiye. Tete-a-tete phrase ka meaning batana hai is question mein. Options hai, to try hard, to drink tea, private meeting or talk between two persons. Do logo ki private meeting ya private conversation ko tete-a-tete kehte hain. Correct answer lies on option 3. Tete-a-tete can be described as a private meeting or talk between two persons. What is the name of Dattada's wife? Dattada ki wife ka naam kya hai? Indira Gandhi, Indrani Devi, neither of the above. This is the easiest question. Dattada ki wife ka naam Indrani Devi hai. Indrani Devi is the name of Dattada's wife. To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman, toy or video game. Indrani Devi ke liye wo telescope ek woman ki tarah thi, ek toy ki tarah tha ya ek video game ki tarah tha. Indrani Devi ke liye wo telescope ek designing woman ki tarah thi. इंद्रानी देवी टेलीस्कोप से जेलस करती थी क्योंकि दत्तादा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस टेलीस्कोप के साथ बिताते थे कॉमेट को डिस्कवर करने के लिए. वो पूरी रात छत पे रहते थे टेलीस्कोप के साथ कॉमेट डिस्कवर करने के लिए. इसलिए इंद्रानी देवी के लिए वो टेलीस्कोप एक डिजाइनिंग वुमन की तरह थी. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Indrani Devi was a dash woman, superwoman, superstitious or both. Indrani Devi was a superstitious woman. Indrani Devi ek andhvishwasi aurat thi. Aisa isliye kyunki uska manna tha jo log comet dekhte hain unki zindagi mein mushkile aur pareshaniyan aati hain. According to Indrani Devi, comets bring ill luck. That's why she has been described as a superstitious woman. Whom did Dattada give credit for the discovery of the comet? Comet discover karne ka credit Dattada ne kise diya? Dibya, his wife or nobody? Comet discover karne ka credit Dattada ne apni telescope Dibya ko diya. Option 1 is correct. Who did Dattada inform about his discovery of the comet? Comet discovery ki information Dattada ne kise di thi? Option 1, Indian Institute of Astronomy. 2, Indian Institute of Astrology. 3, Indian Institute of Astrophysics. Comet discover karne ke baad, ye information Dattada ne Indian Institute of Astrophysics ko di thi. What was the name given to the comet discovered by Shri Manoj Datta? Shri Manoj Datta ne jo comet discover kiya, usse kya naam diya gaya tha? First, comet Datta. Second, comet Dibya. Third, comet Indrani Devi. As per the practice, jab bhi koi nayi cheez discover hoti hai, to uska naam discoverer ke naam pe rakha jata hai. Isiliye is comet ka naam bhi श्री मनोज दत्ता के नाम पे रखा गया, कॉमेट दत्ता. Therefore, कॉमेट दत्ता was the name given to the comet discovered by श्री मनोज दत्ता. Option 1 is correct. Who was James Forsyth? James Forsyth कौन था? Option 1, a British scientist. 2, Indian scientist. 3, दत्तादास friend. James Forsyth was a British scientist. James Forsyth एक British scientist था जिसने दत्तादा की discovery पे detailed research किया और अपनी calculations की basis पे predict किया कि comet दत्ता और Earth के बीच में 10 months के बाद collision होगा. James Forsyth के बारे में ये कुछ important points थी जो मैंने अभी mention किया. Who
who had sent James Forsyth a note. Here, note is a kind of short letter. James Forsyth को letter किसने send किया था? Option 1, James Forsyth. 2, John Macpherson. 3, खोखा. जो letter James Forsyth को भेजा गया था, उस letter की screenshot मैंने add की है, पहले उसे देख लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये letter लिखा गया है Dear Dr. Forsyth के लिए. Dear Dr. Forsyth, James Forsyth ही हैं. और ये लेटर लिखा है जॉन मैकफर्सन ने. जॉन मैकफर्सन एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं. जॉन मैकफर्सन ने जेम्स फॉर्सेथ को ये लेटर लिखा क्योंकि वो उनसे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते थे, जिसके लिए जॉन मैकफर्सन ने जेम्स फॉर्सेथ को उसी रात लंदन आने के लिए कहा. ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आपको याद रखना है. The next question is, who was Johnson? Johnson कौन था? Security official at Red Hall, security official at Black Hole, security official at White Hall. Previous question के answer को explain करते हुए मैंने आपको बताया कि John Macpherson ने James Forsyth को London आने के लिए कहा. Johnson को भेजा गया था James Forsyth को London लाने के लिए. जॉनसन व्हाइट हॉल के सिक्योरिटी ऑफिशियल है जो जेम्स फॉर्सेथ को अपनी फोर्ड कॉर्टिना कार में लंदन ले जाते हैं. दिस बीइंग द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर, आई एम गोइंग टू एंड दिस एमसीक्यू सेशन हियर. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. एग्जाम्स आने वाले हैं, अपना ख्याल रखिएगा. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.